नमस्कार टून चैनल वालों आज दे समाचार बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। पहला इस बुलेटिन दीआं चोणवीआं खबरां। यूएसए विच मनजीत सिंह जीके ते हमला, बायोफ्यूल राही पहली फ्लाइट दिल्ली तों देहरादून। नवांशहर पुलिस दे हत्थ लगी वड्डी सफलता। माई विलेज माई प्राइड कंपेन अधीन 456 अवार्ड जारी करेगी सरकार। अठवां सालाना कुश्ती मुकाबला 30 नूं जगजीतपुर विच होवेगा। बेटियां नूं बनदा सन्मान दिता जाना चाहिदा है। हुण खबरां विस्तार नाल। दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके ते खालिस्तान हमायतियां ने कैलीफोर्निया विच उदों हमला कर दिता जदों वह गुरद्वारे अंदर दाखिल होने लई जोड़े उतार रहे सन। 30-35 लोगों ने हमला कर दिता ते उन्हां दी दस्तार भी उतर गई। हमले विच उन्हां नाल अकाली आगू चरणजीत बराड़ भी जख्मी हो गए। पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिन्हों का संबंध सिख फॉर जस्टिस नाल दस्या जाता है। हमले की अगवाई हुशियारपुर के पुरोहिरां दे साबी खंगूड़ा कर रहा सी पर पुलिस से पहुंचदिया ही वो उतों फरार हो गया। 2012 में पेट्रोलियम विज्ञानी अनिल सैना ने बीज के कच्चे तेल तो बायोफ्यूल बनाने की तकनीक का पेटेंट करवाया सी। उन्हां दी तकनीक अते निगरानी हेठ स्पाइसजेट का Q400 हवाई जहाज ने अज देहरादून तो दिल्ली की उड़ान भरी। भारत अजिहा करन नाल पहला विकासशील देश बन गया है। हुण तक अजिहा अमरीका अते आस्ट्रेलिया वर्गे देशों में संभव हो सकया है। बायोजेट फ्यूल जट्रोफा रतन जोत पौधे के बीज तो बनने वाला तेल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के डायरैक्टर अंजन रे मुताबक उन्हां वल्लों स्पाइसजेट नू 400 लीटर फ्यूल दिता गया। 300 लीटर बायोफ्यूल के नाल 900 लीटर ATF जहाज के राइट विंग अते 1200 लीटर ATF एमरजेंसी लई लैफ्ट विंग च रिजर्व रख्या गया। इस प्रोजैक्ट ते लगभग 1.5 महीना 20 लोगों ने दिन रात काम किया। पंजाब विच एक बार फिर खतरनाक काला कच्छा गिरोह के मैंबरों की गिरफ्तारी हुई है। नवांशहर पुलिस के SSP दीपक हिलोरी वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इस गल का प्रगटावा करदिया फकीर कलादर उर्फ काला कच्छा गैंग के 4 मैंबरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस दे नाल ही उन्हें कहा कि 11 अगस्त को नवांशहर के बेगमपुर में एक NRI के घर डाका मारन और घर के मुखी को बेरहमी नाल कतल करने के पिछे भी इस गैंग का हथ सी अते उस केस की गुत्थी भी सुलझा ली गई है। हुण तक यह गैंग 50 के लगभग वारदातें कर चुका है। इस गैंग के मुखी साई अली समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 लोग हाले फरार हैं पर छेती ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। SPD साहब गुरराज जी ने काफी मैनेज किए हैं। उसके अलावा अपने DSP नवांशहर, SHO सिटी, अपने सदर फर्स्ट डे से हम डेली अपनी CIA टीम का जरूर लिखिएगा, बड़े एफर्ट्स किए थे। बाकी अपने 2 सब इंस्पेक्टर भी सही में ग्यारह तारीख के नाइट में बेगमपुरा पिंड पुलिस स्टेशन सिटी नवांशहर में वारदात हुई थी डकैती और मर्डर की। वो वारदात हमने ट्रेस कर ली है। ये वारदात काला कच्छा गैंग फकीर कल्ला गैंग के मेंबर्स ने की है। इसमें टोटल 8 लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं, 4 को हमने अरेस्ट कर लिया है। वेपन जो ने यूज़ किए थे वो रिकवर कर लिए हैं और साथ में पार्शली जो ज्वेलरी इन्होंने लूटी थी वो भी रिकवर कर ली। इसमें इस गैंग के टोटल 7 मेंबर थे जिन्होंने वारदात की थी। पर्पस इनका लूट का ही था, लेकिन जो इनका पुराना मोटर सेमेटरी चला रहा है, इन घर में अगर कोई भी इंसान अगर जागता मिलता उनको मारना ही होता है इनको, और ये ब्रूटली अटैक करते हैं। और आई थिंक इनसे क्रूलेस कोई हो ही नहीं सकता जिस तरह वारदात ये करते हैं। पर्पस इनका लूट का था, लेकिन अगर इनके लूट में के बीच कोई आता उनको मारना ही इनका मोटिव रहता है।
ये रैंक कितने समय से काम कर रहा है? ये पंजाब में पिछले 15-20 साल से एक्टिव है, पहले भी पकड़े गए, जेल जा चुके हैं, फिर बाहर आ गए, फिर से इन्होंने वारदातें की है। इस बार भी ये लुधियाना जेल से छूट कर आए थे जून में, उसके बाद फिर से इन्होंने वारदातें की। इसका मुख्य सरगना कौन है? मेन इनका इस वाली वारदात में साई अली इन्वॉल्व था, जिन्होंने सारा प्लान, और टोटल इसमें 7 मेंबर थे, 3 लोग अपने जो साई अली के अलावा 3 लोग हमने इसमें पकड़ लिए हैं। गैंग का नाम क्या? इनको आप कलंदरा गैंग भी कह सकते हैं, काला कच्चा गैंग भी कह सकते हैं। काला कच्चा इज वेरी जनरल टर्म, वो जो भी इस तरह की वारदात करते हैं उसको काला कच्चा बोल देते हैं। अदरवाइज इस घर को उन्होंने कैसे चुना था वारदात के लिए? उस एरिया में जो उस लोकेलिटी में ये घर काफ़ी अच्छा दिखता है, आप दूर से ही देखेंगे तो यू विल सी कि हाँ कि ये मतलब वेल बिल्ट है, अच्छा, इसमें लोग रह सकते हैं, पैसा मिल सकता है। रेकी करने का ढंग क्या है? रेकी ये नॉर्मली कुछ दिन पहले जाकर मतलब ऐसे भिखारी के भेष में चले जाते हैं, पैसा मांगने के, मांगते वो आइडेंटिफाई कर लेते कौन सा घर अच्छा है, उसमें पैसा हो सकता है, उसके बाद वारदात करते हैं। इन पे जो इस गैंग के हमने जो बंदे पकड़े हैं उसमें तो 11 FIR रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड है, उसके अलावा 50 से ज़्यादा लूट खो के वारदात कर चुके हैं, उसमें मर्डर्स भी इन्वॉल्व। कितनी रिकवरी होगी सर? रिकवरी हमने मतलब पार्शली कर ली है, अभी कुछ और बंदे हमने पकड़ने हैं। ओरिजिनली ये यूपी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मुरादाबाद एरिया के रहने वाले, भोजपुर पड़ता है वहाँ, एक सब डिवीजन है वहाँ के। ये वेपन इन्होंने डंडे यूज़ किए, जो सफ़ेदा के कह लेते हैं, पॉपुलर के यूज़ कर लेते हैं, एक लोहे की छड़ भी रखते हैं, वो भी यूज़ कर इस्तेमाल करते हैं। उम्र क्या है सभी के? 20-25 साल तक की है, 25 साल तक इनके आगे चीज़। हाँ, अब रिमांड लेंगे और बाकी जो रिकवरीज हैं और जो इनके मेम्बर्स हैं उनको भी। गिरफ्तारी हमने राव से की, एक हमने पुलाने से की थी राजस्थान से। अभी कितने मेंबर? टोटल 4 रहे हैं। वो भी कर लेंगे। इस घटना को अंजाम देने से पहले वो कितने दिन पहले आके रेकी कर रहे थे? 4-5 दिन पहले ही इन्होंने रेकी माना हुआ है। हाँ, मिशन तंदुरुस्त पंजाब अधीन शुरू की गई माई विलेज माई प्राइड कंपेन 167.70 लाख रुपए की राशि 456 अवार्ड दिए जाएंगे। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन डिपार्टमेंट वालों स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अधीन 1 अगस्त तो 31 अगस्त तक स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 करवाया जा रहा है, जिस लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है। मोबाइल ऐप नू फोन में डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर दे के फीडबैक दे सकता है। इस संबंधी पिंडों में जागरूकता सैमीनार भी लगवाए जा रहे हैं। सर्वेक्षण में पंजाब के 22 जिलों में 22 स्वच्छ पिंड चुने जाएंगे, जिन्हां विचों हर पिंड नू 2 लाख रुपए का इनाम भी दिता जाएगा। गुरद्वारा नानकसर साहब प्रबंधक कमेटी वालों पिंड पंचायत अते NRI के सहयोग नाल 6वीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहब नू समर्पित 8वां सलाना कुश्ती मुकाबला 30 अगस्त नू पिंड जगजीतपुर विखे सवेरे 10 बजे तो लैके 12 बजे तक करवाया जा रहा है। इस कुश्ती मुकाबलिया पंजाब के नामवर पहलवान जोर अजमाइश करनगे। इस दौरान जस्सा पट्टी ते छिंदा नारंग मल विचकार होने वाली पटके की कुश्ती विशेष तौर पर खिच का केंद्र रहेगी। लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल IIT क्लब वालों हार्डवेयर शो गतिविधि करवाई गई। इस गतिविधि 8वीं तो 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों को कंप्यूटर के अंदरले भागा CPU मदरबोर्ड पावर सप्लाई हार्ड डिस्क संबंधी जाणू करवाया गया अते इन्हां पार्ट्स की वर्किंग संबंधी भी समझाया गया। प्रिंसीपल श्री मुनीश जैन ने भरोसा दवाया कि भविख में भी इस तरह की गतिविधियां समय समय से जारी रहनगियां। विद्या तो बिना इंसान के जीवन अंदर हनेरा ही हनेरा है, इसलिए इंसान नू जीवन अंदर उच्च विद्या हासिल करके इस नू घर घर बनना चाहिए है। इन्हां शब्दों का प्रगटावा बाबा शाहु शाह चिश्ती ने बंगा ब्लॉक के पिंड कटारिया के सरकारी प्रायमरी स्कूल में अपनी पोतरी हरलीन कौर के जन्मदिन मौके बच्चों स्टेशनरी बंडन समय किए। उन्होंने कहा कि सानू भ्रूण हत्या वर्गी भैड़ी बीमारी नू समाज विचों खत्म करके धियां नू बनदा सन्मान दिता जाना चाहिए है। बच्चों नू समूह सभा की हाजिरी में किताबा कापियां पेंसलां अते मिठाई भी वंडी गई। Thank you.
ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਟਾਰੀਆਂ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੰਡਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਟਾਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੰਡ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਡ ਸਮਾਚਾਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲ 28 ਅਗਸਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਫੁਹਾੜਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰ 18 ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਅੰਡਰ 20 ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 31 ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਓਪਨ ਮੀਟ ਜੋ ਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਮੂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵਰਿੰਦਰ ਤੰਮੂ ਜੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 28 ਅਗਸਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇੜੇ ਬੰਦ ਫਾਟਕ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।